बाल झड़ने की समस्या आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और ये हर एक एज ग्रुप में देखी जा सकती है। पहले के समय में दोस्तों ये समस्या वुमेंस में ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे आप मैन में भी ये प्रॉब्लम बराबरी में देख सकते हैं। यूँ तो मार्केट के अंदर कई ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि ये दावा करती है कि हमारे प्रोडक्ट से आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे, लेकिन सबके बाल एक जैसे नहीं होते, जिसकी वजह से किसी को फ़ायदा होता है तो किसी को नुकसान। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको होम रेमेडी बताने वाला हूँ जिनसे आप घर बैठे अपने बालों की समस्या को खत्म कर सकते हैं और अपने बालों को मजबूत भी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लेमन का जूस। दोस्तों लेमन को एक साइट्रस फ्रूट भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपको विटामिन सी यानी कि एमिनो एसिड की मात्रा काफी ज्यादा मिलती है और ये आपके बालों के लिए और स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी होता है। इसे यूज करने का तरीका काफी ज्यादा सिंपल है। आपको 2 से 3 लेमन को अच्छे से काट लेना है और निचोड़ के एक उसमें ले लेना है। गुनगुने पानी में इसे रस को मिक्स करें, यानी कि इसका जो रस है वो गुनगुने पानी में मिला ले। नहाते समय बालों को धो ले अच्छे से, उसके बाद आपको इसे अपने बालों में सही से लगाना है, यानी कि जड़ में लगाना है। उसके बाद आप इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मसाज करने के बाद छोड़ दे 10 से 15 मिनट और फिर इसे आप ठंडे पानी से धो ले। ऐसा हफ्ते में आपको 2 से 3 बार करना है। 10 से 15 दिनों के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये काफी ज्यादा फायदेमंद भी होता है। अगली होम रेमेडी है नारियल का दूध। दोस्तों नारियल का दूध आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे आपके बाल रेशमी बनते हैं और मजबूत भी बनते हैं। अगर आपके बाल टूट रहे हैं तो नारियल का दूध आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नारियल को कस लेना है या पीस लेना है अच्छे से, उसके बाद उसे दूध के साथ आप अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद आपको इसे सर में अच्छी तरीके से जड़ों में इसकी मसाज करनी है और सिर को तौलिए से ढक लें। तौलिए को अपने बालों से आपको कम से भी कम 20 मिनट तक ढक के रखना है। उसके बाद आप ठंडे पानी से अपने सर को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आपको शैम्पू जरूर करना है ताकि आपके सर में नारियल के हल्के फुल्के कुछ भी छिलके हैं तो निकल जाए। दोस्तों ऐसा करने से हफ्ते भर में आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि दूध के अंदर काफी चीजें मिली होती हैं, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे दोस्तों कैल्शियम भी इसके अंदर होता है, तो आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट रेमेडी है दोस्तों ओनियन का जूस। आज के समय में मार्केट में ओनियन शैम्पू, ओनियन ऑयल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और दोस्तों इसके पीछे यही वजह है कि जो प्याज होता है आपके बालों के लिए कई ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे नेचुरल तरीके से ओनियन के कैसे फायदे ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ओनियन का जूस एक बर्तन में निकाल लीजिए। उसके बाद दोस्तों जूस में रुई को डुबाइए और उसे सीधे सीधे अपने बालों में लगाइए। इसे आप ऐसे लगाने से आपके जड़ों में ओनियन का जो रस होता है वो सही से लगेगा और 30 मिनट के लिए इसे अपने बालों में ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आप अपने बालों को पानी से धो लीजिए और बालों को पानी से धोने के बाद शैम्पू भी जरूर करेगा। ये रेमेडी भी दोस्तों बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आज के समय कई लोग इसका उपयोग करते हैं और काफी ज्यादा फायदा भी इसमें बालों का देखने को मिलता है। तो आप अगर से हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो आपके जो टूटते और झड़ते हुए बाल हैं वो बहुत तेजी से रुकना शुरू हो जाएंगे। आखिरी होम रेमेडी है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। ये हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से फायदा देती हैं और यही वजह है कि ये आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। अब आप नीम का कैसे उपयोग कर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको एक बर्तन में 3 से 4 कप पानी लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको 10 से 12 सूखी नीम की पत्ती को उसमें डाल देना है। पत्तों को पानी में उबलने दे। उसके बाद इस मिश्रण को आप ठंडा रखने के लिए कहीं पर रख दें। उसके बाद इस मिश्रण से आपको अपने बालों में अच्छी तरीके से मसाज करनी है और उसके बाद आप अपने बालों को सही से धो लीजिए। धोने के बाद शैम्पू जरूर करिए ताकि आपके बाल सही से साफ हो जाए। अगर आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो 10 से 15 दिन में आपको बहुत ही अच्छा फर्क देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होम रेमेडी है जिसे आज के समय में कई लोग यूज भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसी होम रेमेडी जिससे आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हो और काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। इन्हें आप यूज करके डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही। साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक और न्यू चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां पे आपको एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जिसके अंदर हम आपको डेली बेसिस पे होम रेमेडीज बताते हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल चैनल है, आप जाके चेकआउट जरूर करेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।